फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट। होममेड चॉकलेट बहुत ही हेल्दी होती है और ये हर बच्चे को पसंद होती है। ये आज हम दो तरीके से बनाएंगे, बॉर्नविटा चॉकलेट एंड चॉकलेट पाउडर से चॉकलेट बनाना। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए बॉर्नविटा, मिल्क पाउडर, बटर, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, शुगर, ये नॉर्मल शुगर है जो मैंने घर में ग्राइंड करके रखी हुई है, कोको पाउडर एंड चॉकलेट पाउडर। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं चॉकलेट। मैंने ये गैस पे बॉल रख दिया है, इसके नीचे मैंने थोड़ा सा पानी रखा है। पानी बिल्कुल भी आपके बॉल को टच नहीं करना है। अब हम इसमें ये बटर डाल देते हैं। बटर मेल्ट हो रहा है। अब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। ये देखिए इसमें मेल्ट होने लगा है। हमने हाफ कप बटर लिया है तो हमें हाफ कप ही शुगर लेनी है, और हाफ कप से थोड़ा सा कम हमने लेना है मिल्क पाउडर। तो इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में हम बॉर्नविटा डालेंगे और चॉकलेट पाउडर, और एक में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए ये मिक्सचर भी फूट रही है। गैस हम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये जो आइस ट्रे होती है इसमें इसको मिक्सचर को डालेंगे। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है मोल्ड वगैरह तो आप इसी में भी डाल सकते हैं। इससे भी आइस ट्रे में सेट कर दी है। अब हम इसी बाउल में बचा हुआ मिक्सचर निकाल लेते हैं जो हमने व्हाइट क्रीम वाला बनाया था। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून फुल चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट पाउडर अगर नहीं है आपके पास तो ऑनली बॉर्नविटा भी डाल सकते हैं, और 1.5 टेबल स्पून बॉर्नविटा की ऐड करनी है। ये बिल्कुल बारीक पेस्ट होना चाहिए जो बॉर्नविटा 3-4 घंटे के लिए, ताकि सेट हो जाए। आप चाहें तो इस पे कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को सिल्वर बॉर्स पसंद थी इसमें मैंने सिल्वर बॉर्स जानी है। तो आइए अब हम इसको 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में। ये देखिए हमारी अम्मी चॉकलेट रेडी है खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।